नमस्कार दोस्तों हम लोग वीडियो लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एन सी एल इंडिया लिमिटेड एन सी एल इसका पूरा नाम जो ये एक नवरत्ना कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज ये गवर्नमेंट मतलब पी एस यू है तो इसमें इस पी एस यू में यहाँ पे वैकेंसी दी गई है जिसमें काफ़ी अच्छा पे स्केल है जो कि इकतीस हज़ार से एस वन ग्रेड में एक लाख रुपये तक का दिया जा रहा है आपको ग्रेड पेमेंट तो इसके हिसाब से अब इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगा गया है क्या लास्ट डेट है क्या पे स्केल है और क्या अप्लीकेशन क्राइटेरिया है ये सब हम आपको इसमें वीडियो में बताने वाले हैं और बाकी इसका जो एप्लीकेशन लिंक है वो आपको बायो में मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप लोग ले सकते हैं और इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं तो बाकी हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं डिप्लोमा वालों के लिए ये होने वाला है वैकेंसी और डिग्री वालों के लिए तो डिप्लोमा का इसमें इन्होंने एक ही जगह पे वैकेंसी दिया हुआ है कि डिप्लोमा और डिग्री ये वाला जो सेक्शन है ये डिप्लोमा वालों के लिए है तो इसको मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या दिया गया है डिप्लोमा और डिग्री इन एनी सब्जेक्ट एनी सब्जेक्ट अदर देन माइनिंग इंजीनियरिंग अगर माइनिंग इंजीनियरिंग का जिसके पास डिप्लोमा है वो लोग तो पहले वाले फॉर्म में भर सकते हैं जूनियर ओवरमैन ट्रेडिंग इसमें भर सकते हैं जिनके पास माइनिंग इंजीनियरिंग नहीं है वो लोग कहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं तो ये इस वाले जो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है ग्रेड वन के लिए ये वैकेंसी दे रखी है इसमें दिया हुआ है डिप्लोमा और डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन माइनिंग जिनके पास माइनिंग का नहीं है उसके अलावा कोई डिप्लोमा या डिग्री है वो लोग इसमें भर सकते हैं और माइनिंग का जो सर्टिफिकेट कंपल्सेंसी है जो मतलब वहाँ से पहले उन्होंने एक बार माइनिंग का कुछ भी प्रोग्राम किया है और वहाँ के डी से या उनके सेक्रेटरी से इन्होंने इशू करवाया है डी से तो वो लोग यहाँ पे वैलिड किए जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे एक फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए अगर फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट नहीं तो उसके बदले यहाँ पे इन्होंने और दे रखा है टोटल कि डिप्लोमा इन माइनिंग विथ ओवर मैन सर्टिफिकेट इश्यूड बाई डी एंड वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट अगर आपका डिप्लोमा माइनिंग में है तब भी आपको यहाँ पे अलाउ किया जाएगा लेकिन वो डी जी से इशू होना चाहिए और उसके बाद वैलिड होना चाहिए आपके पास फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मांग रखी है और बाकी यहाँ पे क्या सिक्सटी परसेंट मिनिमम आपका यहाँ पे होना चाहिए टेन परसेंट का टेन पॉइंट स्केल में सी जी पी ए वगैरह इन्होंने अपने रूल्स टर्म्स एंड कंडीशन दे रखे हैं यहाँ पे क्या पे स्केल होने वाला है वो सब इन्होंने यस वन ग्रेड और एस जी वन ग्रेड का दे रखा है ये आप लोग देख सकते हैं इसमें और उसके बाद इसमें सी टी सी जो होने वाला है वो अप्रॉक्सीमेट सेवन पॉइंट एट लैक्स का एस वन ग्रेड के लिए और जो एस जी वन है उसके लिए सिक्स पॉइंट फाइव फाइव लाख का होने वाला है और बात करते हैं इसमें बाकी डेट्स वगैरह की तो इसमें बहुत कुछ मिल जाने वाला है आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट के बारे में अगर हम सब कुछ बताएंगे दोस्तों तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो इसलिए हम बस अपलिक एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं जो जूनियर ओवरमैन ट्रेनी है उनके लिए यहाँ पे जो फीस है वो तीन सौ रुपये है और जो यहाँ पे सेक्शन ग्रेड वन के लिए है एस सी वन एस जी वन के लिए सॉरी तो वो यहाँ पे आप लोगों का दो सौ पचास होने वाला है लेकिन जो रिजर्वेशन कैंडिडेट है जैसे एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनके लिए फ़ीस माफ़ है उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाला है यहाँ पर और एक चीज़ इसमें और बता देते हैं आप लोगों को कि इसमें जो फीस है उसके साथ प्रोसेसिंग चार्ज जोड़कर कर यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है टोटल फीस जो है वो अलग में यहाँ पे दिया गया है कि जो आपका टोटल फीस है वो फाइव नाइन्टी फाइव होने वाला है एस एस वन ग्रेड के लिए और जो एस सी एस जी वन है उसके लिए फोर एटी सिक्स और जिनके लिए फ़ीस एक्सटेंडेड था मतलब जिनका फ़ीस माफ था उनके लिए भी यहाँ पे एटीन परसेंट जी एस टी का जो चार्ज है वो टू नाइन्टी फाइव और टू थर्टी सिक्स होने वाला है और बाकी यहाँ पर इन्होंने क्या क्या फ़ोटोज़ चाहिए क्या सिग्नेचर चाहिए किस मोड में चाहिए वो सब इन्होंने दे रखा है आपको डिटेल तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं और जो एडवर्टाइजमेंट आया है वो कितने बजे आया है कितने तारीख को आया और कब तक चलने वाला है वो यहाँ पे दे रखा है दो तारीख को ओपनिंग हुआ था इसका दस बजे तीस दिसंबर को ये लास्ट होगा इसका सत्रह बजे तक आप इसको फाइनल डेट एंड टाइम जो फीस मतलब आपका पेड है पेड करना है वो ग्यारह बज के पैंतालीस मिनट रात तक आप कर सकते हैं और उसके बाद एप्लीकेशन को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं यहाँ पे इकतीस तारीख तक और उसके बाद आपका कोई भी इसमें प्रोसेस नहीं हो पाएगा और जो यहाँ पे हैंडीकेप्ट का यहाँ पे कोटा दिया हुआ है उसके लिए इन्होंने यहाँ पे दे रखा है बाकी सब कुछ तो इसमें बस फॉर्मेट दे रखे हैं तो इसके बारे में बस इतना ही अगर आप लोगों को इससे जुड़ी और कोई जानकारी चाहिए तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पूछने पर हम बता देंगे और इससे जुड़ा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके बाद आप लोग हमारे ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों धन्यवाद